हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आ गई हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब अपडेट लेकर, जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी आ चुकी है जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SSC की तरफ से, MTS और हवलदार की पोस्ट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, SSC, MTS और हवलदार की पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ आपको SSC, MTS एंड हवलदार के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगा, एग्ज़ाम की पैटर्न, जो हमारा मेन फोकस होगा एग्ज़ाम की पैटर्न आपको कम्प्लीटली अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि 14th जून 2023 जो ऑफिशियल डेट था फॉर्म अप्लाई करने का, उसमें किसी रीज़न से डीले आ रहा था। डीले इस बात के लिए आ रहा था फ्रेंड्स कि जो आपका SSC MTS था प्रीवियस वाला, उसका फेज 2 का पेपर चल रहा था जो कि 20 जून तक होने वाला था। इसकी वजह से आयोग ने आपका जो ये वैकेंसी, इसको थोड़ा सा डीले कर दिया था। तो अभी आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें ये बताया गया कि 30 जून 2023 को आपका जॉब का नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही साथ आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कल से ही ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। अभी उसमें कोई लास्ट डेट के बारे में नहीं बताया गया, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि SSC की तरफ से ऑलमोस्ट सभी फॉर्म के लिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। लेकिन आप फिर भी 1 मंथ सोच के मत चलना फ्रेंड्स, कल से जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आपको बता दूं कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। फ्रेंड्स, सिंपली अगर आप 10th पास आउट होना तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज का इशू नहीं है कि आपका 50% रहना चाहिए, मिनिमम 60% रहना चाहिए, नहीं। आपने 10th पास कर लिया है ना, आप इस फॉर्म को भर ही दो तो अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा ये चीज़ कि 10th लेवल पे अगर SSC की तरफ से जो सबसे बेस्ट वैकेंसी होती है ना, वो आपको SSC, MTS एंड हवलदार की पोस्ट के लिए होती है, और सबसे अच्छी तो SSC, MTS ही होती है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपको बता दूं मैं कि आपका मिनिमम देखा जाएगा तो 5000 से लेके 12000 के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी जो है नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि कितने सीट्स आएंगे, बट पिछली वैकेंसी में जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको अप्रॉक्स 12000 सीट था, उसके अकॉर्डिंग आपका 5000 to 10000 के बीच में रहने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाओ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलने वाली है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम लोग एज लिमिट के बारे में। तो ऐसे तो फ्रेंड्स, हर वैकेंसी के लिए ऑलमोस्ट आपका मिनिमम एज 18 इयर्स होता है, और मैक्सिमम एज भी एक फिक्स होता है, बट यहाँ पे दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है, MTS और हवलदार। तो आपको दो तरह के मैक्सिमम एज देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको बता देती हूँ, MTS के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है 18 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स रहेगा। वही अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए देखोगे तो मिनिमम आपका 18 इयर्स और मैक्सिमम 27 इयर्स देखने को मिल जाएगा। और ये मैं जो आपको बताई हूँ मैक्सिमम एज, ये आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब आप लोग जान लीजिए कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ़ी क्या लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, जनरल OBC और EWS कैटेगरी से यहाँ पे 100 रुपीज़ लिया जाता है। वहीं आपको SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते फॉर्म अप्लाई करने के।
अब बारी आती है फ्रेंड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, यानी कि आपके एग्जाम की डेट के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये भी हो गया है कि आपका एग्जाम जो कि पहले सिंपली था कि सितंबर में होने वाला है, उसका डेट आ गया है फ्रेंड्स, आपका 1 सितंबर से 29 सितंबर 2023 के बीच में ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो समय आप काफी कम बचा है, तो तैयारी तो आप लोग कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना उसको आप बढ़ा दो, जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तैयारी करो, और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस जॉब के लिए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि पिछली एग्जाम के टाइम ही फ्रेंड्स एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, फर्स्ट टाइम एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, तो उन सभी को मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस को। सिलेक्शन का प्रोसेस फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन CBT एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये आपको दो सेशन में होने वाला है, सेशन 1 और सेशन 2। देन आपका जो बच्चे हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे फिजिकल होता है, MTS वालों का सिंपली आपका रिटेन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है, और जो हवलदार की पोस्ट के लिए रहता है उनका रिटेन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है, तब उनका मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सबसे जो आपको नोटिस करने वाली बात है एग्जाम की पैटर्न उसके बारे में आपको बता दूँ। फ्रेंड्स आपका एग्जाम जो होता है पहले आपका सिंपली होता था कि 90 मिनट्स का एग्जाम है, 4 सेक्शन से पूछा गया, 25 पर सेक्शन के क्वेश्चन रहते थे, और आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता था। पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेम आपका 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, एक ही दिन में होगा लेकिन दो सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 आपका पहला रहेगा पार्ट, आपका 45 मिनट्स का रहेगा, फिर उसके बाद सेशन 2 में आप जा पाओगे 45 मिनट्स के लिए। तो आइए आपको बता देती हूँ सेशन 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सेशन 1 में फ्रेंड्स आपका सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, आपका जो है 20 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा, तो मैथ भी 60 नंबर का, रीजनिंग भी 60 नंबर का, टोटल 120 नंबर का 45 मिनट में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम 30% यहाँ पे लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, OBC और EWS को मिनिमम 25% अचीव करना है, SC ST वालों को 20% लाएंगे तब जाके वो इसके लिए क्वालिफाई होंगे। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है सिर्फ क्वालिफाइंग, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन अगर आप सेशन 2 में अगर फाइनल मेरिट में आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका पेपर आगे चेक नहीं किया जाएगा, आप यहीं पे डिसक्वालिफाइड हो जाओगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सेशन 2 यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट बनाने वाला है उस सेशन में आपका क्या सब पूछा जाएगा। ये आपका फाइनल मेरिट बनाता है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है कि आपको गलत करने पे मार्क्स भी आपके काट लिए जाएंगे। इसमें आपको दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, GK GS और इंग्लिश से, तो ये दोनों पेपर आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस सब्जेक्ट पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे के आप लोग तैयारी करो। आपको GK GS से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, मतलब कि इसमें भी आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिल रहे हैं। टोटल आपका 150 नंबर का सेशन 2 रहता है, ये भी 45 मिनट का रहता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MTS का एग्ज़ाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैथ और रीजनिंग अभी ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो मैं अभी अगला सेशन पे चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, चलो मैं इंग्लिश और GK बना लूँगी, उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं मैथ और रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर ना अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि एक बार 45 मिनट के बाद अगर उस आप सेशन 2 में चले जाते हो
तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप सेशन वन में वापस जा पाओ। कोशिश यही करना है फ्रेंड्स। और क्या है, सिंपली रीजनिंग का एकदम सिंपल क्वेश्चन एमटीएस के लिए पूछा जाता है। मैथ के भी क्वेश्चन इजी ही रहते हैं आपको सीएचएसएल और जो सीजीएल है उसके जो कंपेरिजन में। तो आप कोशिश यही करो ना कि जल्द से जल्द आपको 40 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करके तभी आप सेशन टू में एंटर करने को। इसके बाद जो हवलदार की पोस्ट के लिए बच्चे होंगे, एग्जाम के बाद उनका फिजिकल होगा। तो मैं अभी आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करके बता देती हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट का सबसे पहले आपको बता दूँ कि वॉकिंग है 1600 मीटर की 15 मिनट में। देन आपका हाइट मेजरमेंट होता है, इसके लिए आपको जनरली ऑल कैटेगरी के लिए 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। वही एसटी कैटेगरी के लिए 152.5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। चेस्ट आपका मिनिमम 81-85 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर मेल कैटेगरी के लिए मैं बता दूँ कि 1 किलोमीटर की वॉकिंग है 20 मिनट में। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। वही एसटी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 149.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा चेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ मेल्स के लिए होती है, उसी तरीके से आपको फीमेल्स के लिए वेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए मिनिमम वेट जो है 48 केजी रिक्वायर्ड है और आपका एसटी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम वेट 46 केजी रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सब कुछ तो आपने समझ लिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सिंपली सा एक मेडिकल होता है प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके और आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, तब जाके आप इतनी अच्छी जॉब को ज्वाइन कर पाते हो। पर आप सोच रहे होंगे कि मैम मैं ये सब तो कर लूँगा बट मेरा सिलेक्शन कहाँ पे होगा इंडिया में। तो ये जैसा कि आपको पहले बताया ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस का भी मौका दिया जाता है कि आप किस स्टेट में जॉब करना चाहते हो। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जो भी स्टेट में आप अप्लाई करते हो उसके कट ऑफ को अगर आप पार करोगे तभी जाके आपको वहां पे सर्व करने का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे आप। जॉब की लोकेशन भी बता दी। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या देखने को मिलेगा। तो एसएससी की जॉब है तो अच्छी जॉब रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी 20,340 रुपीज़ टू 23,670 रुपीज़ के अप्रॉक्स पर मंथ स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो और हर साल आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है, तो सोच लो कि आगे आपकी सैलरी कितनी अच्छी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो तैयार हो जाओ यार। अभी अगर आप लोग क्रैक नहीं करोगे एग्जाम तो कब करोगे, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करो। और आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया हो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसे समझने में फ्रेंड्स कोई सी भी दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मैं आपके जो क्वेरीज है उनको आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोग ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस मेरे जो टेलीग्राम चैनल है मनीषा सिंह जॉब अपडेट्स वहां पे भी मैं नोटिफिकेशन को पोस्ट कर दूंगी, वहां जाके आप देख लेना। और अगर आप लोग और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मेरे से तो आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी तो टाइम टाइम पे पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी फॉर्म आ रही है। तो चलिए मिलूंगी आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।